हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौसी ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इस सीरीज़ में, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सक्सेस के बारे में कि क्या सक्सेस होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सक्सेस को अचीव करने में। तो अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सक्सेस को अचीव करने में आती हैं। एंड आई प्रॉमिस यू कि आई विल टेल यू द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से हम लोग इन प्रॉब्लम्स से बाहर निकल सकते हैं, इनका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं और अपनी सक्सेस को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो गाइस, थोड़े से एफर्ट्स आप लोगों को लगाने पड़ेंगे और थोड़े से एफर्ट्स लगा के आप लोग अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपनी कमियों को नहीं पहचान पाते, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं पहचान पाते, इसीलिए हम लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिलता है। सो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये 9 हर्डल्स की क्या क्या हर्डल्स आती हैं सक्सेस को अचीव करने में। तो आज हम इनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे सॉल्यूशंस हैं, क्या हम लोगों को करना चाहिए जिससे हम अपनी सक्सेस को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम किस तरीके से अपनी सक्सेस में आने वाली रुकावटों को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि हमें जो है नॉलेज, इन्फॉर्मेशन की जो है कमी होती है। ठीक है, तो देखिए, हमारे दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, लोगों के पास दो तरह के इफ़ेक्ट होते हैं इन्फॉर्मेशन के। एक तो ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, टू मच, और जब हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो हम अहंकारी हो जाते हैं, तब भी हम लोग जो हैं बहुत ही क्या कहते हैं, अच्छे वाइज डिसीज़न हम लोग नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो एक तो बहुत ओवरफ्लो के साथ जो हमारे पास नॉलेज हो जाती है वो, दूसरा एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें हमारे पास बहुत कम नॉलेज होती है, जिसको हम लिटिल नॉलेज कहते हैं। आपने सुना भी होगा, हिंदी में एक कहावत है कि नीम हकीम खतराए जान, है ना, कहते हैं ना, हाफ़ नॉलेज इज़ डेंजरस। तो ये दो चीज़ें होती हैं इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमारे पास में, कि भाई एक तो या तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, या फिर हमें कम इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है दोस्तों कि क्या गैप है हमारी नॉलेज के बीच में, व्हाट गैप वी हैव इन आवर नॉलेज। ठीक है, पहले तो उन गैप्स को हमें चेक करना है और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उस गैप को फिल करना है कि भाई मेरी नॉलेज में ये कमी है, ये लैक है इस इन्फॉर्मेशन की, तो मुझे ये फुलफ़िल करनी है। तो आप उसको गैप को फिल करेंगे और अपने गोल की तरफ जो है वो मूव करेंगे। इससे क्या होगा, आप अपने टारगेट की तरफ जो है थोड़ा सा क्लोज़र आ जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं। आप अब बात आती है ना कि किस तरह से इन गैप्स को किस तरह से फिल किया जाए। तो इन गैप को अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नई इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए सबसे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, जो चीज़ ऑलरेडी है उसको आपको क्या करना है, रिसर्च करना है। देन आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है, प्लानिंग किस चीज़ की करनी है, रीडिंग की प्लानिंग करनी है। यू हैव टू रीड विद द प्लानिंग, ओके। देन उसके बाद आता है आपको लिसनिंग करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई CDs या DVDs अवेलेबल हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिससे बात करके जो है आप लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसके बारे में, आप उससे शेयर कर सकते हैं और उससे, उस पर्सन से जो है आप डिस्कस करके आप लोग ये जो अपना गैप है इन्फॉर्मेशन में, इसको दूर कर सकते हैं। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आप लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लैक ऑफ स्किल्स, तो लैक ऑफ स्किल्स भी एक दूसरी प्रॉब्लम है कि हम लोगों में स्किल्स की कमी होती है। तो इसको कैसे दूर किया जाए, तो इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड यू मे हैव टू पिक अप स्किल्स अलॉन्ग द वे। सबको पता है कि अगर हमें लंबा जाना है, रास्ते पे लंबा निकलना है, तो हमारे पास वही स्किल्स तो होनी चाहिए, है ना। तो क्या है, बेसिकली इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, राइट। हमें बहुत सारे, अगर हम लोग अपनी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो गाइज क्या होता है कि हमें अपने गोल की सेटिंग करनी पड़ती है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसको अपनी स्किल्स को जो है एक्वायर करना पड़ता है कि भाई अगर हमें ये वाला टारगेट अचीव करना है तो हमें ये तो स्किल्स इसके लिए चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक्वायर करना है, और जब हम लोग एक्वायर कर लेंगे विद एक्शन प्लान्स, ठीक है, प्लान करके, तो तब हम क्या कर सकते हैं, हम स्किल्स को जो हैं एक्वायर करके अपनी सक्सेस के करीब जा सकते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया गाइस, कि आप लोग क्या करें,
ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं आप लोग, है ना, अल्टरनेटिव्स देख सकते हैं, जैसे ऑनलाइन स्टडी कर लिया आपने, प्लान रीडिंग कर लिया कि आप लोग प्लान करके रीडिंग करें, या फिर वर्क प्लेस पर जाएँ, अगर आप अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं तो अपने कुलीग से बात करें, है ना, आप किसी फ्रेंड की एडवाइस सीख कर सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकता है, जिससे कि आप अपनी स्किल को, जो भी आपके पास स्किल्स हैं, आप उसको, जो भी आपको स्किल सीखनी है सॉरी, उसको आप जो है ऑप्टेन कर पाएँ। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं कि हम किस किस तरीके से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइस, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी सक्सेस को अचीव करने में होती है, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। ठीक है, अगर हम लोग सीखते हैं एवरी डे, अगर हम लोग सीखते हैं एज अ स्टूडेंट वर्क करते हैं, तो हमें सफलता के मार्ग पर जो है ऑब्वियसली रुकावटें आती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा रुकावटें हमारे रास्ते में नहीं आएंगी, क्योंकि हम लोग एवरी डे लर्निंग प्रोसेस में हैं। और लर्निंग क्या है, एक तो ज़िंदगी खुद ही ऑटोमेटिकली आके एक्सपीरियंस दे रही है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, कि हम कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, लेकिन हम लोगों को इंटेंशनली कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो हमें एवरी डे कुछ ना कुछ सीखने के लिए इनिशिएटिव लेने चाहिए, चाहे वो हम अपने फ्रेंड्स से सीखें, फैमिली से सीखें, कलीग से सीखें, या फिर आप लोग जो हैं ऑनलाइन स्टडी करके सीखें, या फिर आप रिसर्च करके सीखें, या फिर आप रीडिंग करके सीखें। बुक्स जो हैं वो सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, तो बुक्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप ये सब चीज़ें प्लान कर सकते हैं। देन थर्ड हर्डल हमने देखी थी, लिमिटिंग बिलीफ। ठीक है, लिमिटिंग बिलीफ जो है, वी ऑल हैव अ सेट ऑफ बिलीव्स, है ना, जिसमें हम लोग रहते हैं, हमारे पास सबके पास अपने खुद के बिलीव्स हैं जिसमें हम रहते हैं, और कभी कभी क्या होता है, ये जो बिलीव्स हैं हमें होल्ड बैक कर लेते हैं, पीछे की तरफ ले आते हैं, और हमारी जो काबिलियत है, एबिलिटीज़ हैं, उनमें हमें जो है, हमें जो टारगेट्स को अचीव करने की काबिलियत हमारे अंदर होती है, उसमें हमें ये पीछे धकेल देते हैं, अगर हम लोग अपने बिलीव्स को क्या कर लेते हैं, लिमिटिंग कर लेते हैं, लिमिटेड कर लेते हैं। तो कुछ कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, कि एक तो इनडिसीजन हो जाते हैं हम लोग, कि डिसाइड नहीं कर पाते। ठीक है, अगर हमारे बिलीव जो हैं, अगर हम कुएं के मेंढक हैं, ठीक है, एक ही जगह पे फिक्स्ड है, मतलब हम उससे ज़्यादा अपना माइंड को रन नहीं करते हैं, दौड़ाते नहीं हैं, तो एक तो हमारे अंदर जो है इनकैपेसिटी आ जाती है, कि हम लोगों के अंदर डिसीजन पावर कम हो जाती है। दूसरी, हम चीज़ों को टालने लग जाते हैं, हम प्रोकास्टिनेटर बन जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, शुड आई डू वन थिंग और अनदर, ये करूँ या कुछ और करूँ, ये चीज़ हमारे अंदर आ जाती है, और इस चीज़ से क्या होता है, दिस ऑफन रिजल्ट्स इन योर डूइंग नथिंग। ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है, जब आप आलसी हो जाते हैं, या प्रोकास्टिनेटर हो जाते हैं, या फिर आपके अंदर इंडिसीजन वाली इनकैपेबिलिटी आ जाती है, तब आप गाइस क्या करते हैं, कि आप कुछ नहीं करते। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलता है। तो द लिमिटिंग बिलीफ मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ, आई एम नॉट एबल टू मेक डिसीजंस। ये आपको किस चीज़ में ले जाती है, कि मैं एबल नहीं हूँ डिसीजंस को करने में। तो गाइस, इस चीज़ से बाहर निकलिए। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, आपको इस एक जो आपने एक दायरा बना लिया, एक लिमिट बना ली है, उससे आपको बाहर निकलना है। जब तक आप इसके अंदर रहेंगे, आप लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। हो सकता है एक छोटा मोटा कुछ अचीव कर पाओ, है ना, लेकिन जो आपके टारगेट्स हैं, देखो सक्सेस क्या होती है, सक्सेस आज जिस टारगेट, जो मेरा टारगेट है, ठीक है, आज मेरा टारगेट है किसी चीज़ को अचीव करना, वो मेरे लिए सक्सेस कभी भी पूरी नहीं होती, वो हमेशा इनकम्प्लीट होती है। तो आज अगर वो मेरा टारगेट है और वो मैंने अचीव कर लिया है, ठीक है, तो कल को वो मेरा टारगेट नहीं रहता, कल को मुझे उससे ज़्यादा कुछ और चाहिए होता है ना, होता है ना। तो सक्सेस कभी भी जो है, कभी भी फिक्स नहीं होती कि ये ही चीज़ जो है ये सक्सेस है। ठीक है, सक्सेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है सबके लिए। तो जब हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि आई कॉन्ट डू दिस, या आई वॉन्ट चेंज, ठीक है, तो लोग क्या होता है, लोग सोचने लग जाते हैं कि नहीं, मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ इस सक्सेस के, है ना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये वाली चीज़ जो है मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, अपने आप को इस दायरे से बाहर निकालना है, और सक्सेस को अचीव करने के बारे में सोचना है, फोकस करना है। एनी हाउ मतलब इलीगली मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं लीगली बात कर रही हूँ, कि आप अपनी काबिलियत को बढ़ाइए, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाइए, और अपने जो माइंड है उसका इस्तेमाल करिए, उसको जो है रन करिए एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास, इंसान के पास हर चीज़ को करने की काबिलियत होती है। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं इजीली कोई भी चीज़। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, वेल बीइंग। ठीक है, वेल बीइंग भी जो है एक
हर्डल हम लोगों ने बात की थी कि वेल बीइंग भी जो है एक हर्डल होती है सक्सेस के पाथ पे जो आती है, ठीक है। तो ऐसा होता है कितनी बार कि डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स देयर मे बी टाइम्स व्हेन यू आर सिंपली नॉट एबल टू परस्यू योर गोल्स, कि आप लोगों ने क्या किया, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, है ना, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप लोग अपने गोल्स को जो है अचीव नहीं कर पा रहे हो, है ना। क्या होता है, कभी कभी अचानक से कोई बीमारी आ गई, कोई अचानक से कोई आपको इंजरी आ गई, वो आपको क्या करती है, पीछे धकेल देती है। अभी देखिए पेंडेमिक हुआ, इसमें क्या हुआ कि हम लोगों के जितने भी टारगेट्स थे, जितनी भी चीज़ें थी, वो सबके प्लानिंग्स, सबकी जो भी थी प्लानिंग्स, वो कैसी रह गई, धरी की धरी रह गई। तो इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई, अब जाहिर सी बात है, अब हम अगर इसी चीज़ को आज भी लेकर बैठे रहें कि मेरे 2 साल जी कोरोना में ख़राब हो गए, मेरे 3 साल ख़राब हो गए, अगर हम इसी चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे तो गाइस क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये लाइफ क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें जो है रियलिस्टिक होना पड़ेगा, ठीक है। बीटिंग अप योर सेल्फ विल नॉट हेल्प, ठीक है, बीटिंग योर सेल्फ अप विल नॉट हेल्प, ये आपको जो है हेल्प नहीं कर पाएगा, आपको सिर्फ सीधा क्या करेगा, ये गिविंग अप की तरफ ले जाएगा, अगर आप लोग ये सोचते हैं तो। टेक अ लिटल टाइम टू एक्सेस योर गोल एंड कंसीडर व्हाट योर ऑप्शंस आर नाउ, कि भाई अगर हो गया आपके साथ ये मिसहैपनिंग हो गई, देन इट्स ओके, अब आपके पास क्या पॉसिबिलिटी हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए बजाय कि क्या हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पास्ट में जीते हैं या फिर हम लोग फ्यूचर में जीते हैं कि भाई फ्यूचर में मैं ये करूँगा या मेरे पास ये होगा, या फिर पास्ट में मेरे साथ ऐसा हो गया इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। तो हमें ना पास्ट के बारे में सोचना है ना फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के बारे में हम जाहिर सी बातें सोचते हैं, सोचना भी चाहिए, लेकिन जो हम पास्ट में और फ्यूचर में स्टक होकर रह जाते हैं तो हम लोग प्रेजेंट में वर्क नहीं कर पाते। सो व्हाट वी एग्जैक्टली नीड टू डू, वी विल हैव टू वर्क ऑन आवर प्रेजेंट, हमें अपने प्रेजेंट पे काम करना है, आज पे काम करना है। आज पे अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारा आज भी अच्छा होगा और हमारा आने वाला कल भी बेहतर होगा, ठीक है। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ दैट गोल इज़ अचीव विद इन द ओरिजिनल लाइफ टाइम फ्रेम, ओके। आपको क्या करना है, ओरिजिनल टाइम फ्रेम में जो है उसको अचीव करना है, और आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं वैसा नहीं कर पाया। इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, काश से बाहर निकलिए कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर पाता, इन सब चीज़ों को भूल जाइए। जस्ट फोकस जो आज आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास आज पॉसिबिलिटी हैं, उनके बारे में बात कीजिए और कंसीडर करिए कि आप ऐसा क्या है, क्या चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में, ओके गाइस। आई होप कि ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। इसके बाकी के पॉइंट्स जो हैं हम लोग इनके सॉल्यूशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा एंड यू मे बी यू फील बोर अबाउट इट, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई नो कि आप लोग जो हैं इंजॉय कर रहे हैं, वीडियो सीख रहे हैं, एंड आई होप कि अपनी लाइफ में भी आप इनको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।